आईएएस रानी नागर जो कि चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं, एक उनके सीनियर आईएएस के साथ विवाद चल रहा है और पिछले 15 दिन से तो वो विवाद इतना बढ़ गया कि खुद रानी नागर ने अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे ये लिखा कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं जान का भी खतरा है, अपहरण का खतरा है। अगर मेरी ये सब बातें नहीं सुनी गई या इसके ऊपर नहीं कोई निर्णय लिया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। 15 दिन कहने के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये उचित नहीं समझा कि दोनों आईएएस को बुलाकर इस विवाद के बात करके और इसको ख़त्म किया जाए या जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और कहीं ना कहीं रानी नागर जी से भी बुलाकर ये पूछा जाए कि भाई आप किस चीज़ से परेशान हैं, क्यों रिज़ाइन करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आईएएस बनना कोई आसान नहीं है और बेटियों के लिए खासकर मैं समझ सकता हूं कि उसके ऊपर इतना मानसिक दबाव बन गया था, उत्पीड़न का, यौन शोषण का, जान के खतरे का, कि उसने ये उचित समझा कि मैं रिज़ाइन ही कर दूँ। नहीं तो कोई भी आईएएस बनने के बाद रिज़ाइन नहीं करता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रैली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया था, आज वो नारा मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है। एक आईएएस लड़की, गुजर बिरादरी से बेटी और जो पिछड़ा वर्ग की बेटी है उसको आज इतना लाचार होना पड़ा, मजबूर होना पड़ रहा है कि वो रिज़ाइन करनी कर रही है, तो कहाँ गया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। पहले एक बार बिठा के बात करना चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। एक मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जो आज इस्तीफा दिया गया है ये कोई मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया गया, दबाव के कारण इस्तीफा दिया गया है। ये इस्तीफा मुख्यमंत्री जी और यह जो आईएएस एसोसिएशन है इनकी, वो इस इस्तीफा को मंजूर ना करें।